हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप अपने लाइफस्टाइल का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि पानी की कमी आपके इलाके में होती है और आपको बोरवेल का पानी यूज करना पड़ता है बाल धोने के लिए, जिससे कि आपके बाल जो हैं झड़ने लगते हैं, कमजोर होने लगते हैं। लेकिन उसको सही आप कैसे कर सकते हैं और उसी बोरवेल पानी को अच्छा कैसे बना सकते हैं, चलिए आज इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, बढ़ती आबादी के बीच पानी की समस्या बढ़ना लाजमी है। आजकल ज्यादातर लोग बोरवेल के भरोसे ही अपनी पानी की पूर्ति करते हैं। बोरवेल के पानी में खारापन बहुत ज्यादा होता है और इस पानी में कई तरह के कंपाउंड होते हैं जो बालों स्किन के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। लोग खारा पानी आने पर पीने के लिए तो आरओ का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन नहाने के लिए सीधे इस पानी का नुकसान हेयर फॉल, डैंड्रफ जैसी समस्याओं को पैदा कर देता है। शहर हो या गांव, आजकल सभी जगह बोरवेल का पानी खूब इस्तेमाल किया जाने लगा है। इसके चलते बाल झड़ने की समस्या भी बढ़ी है। आप भी अगर खारे पानी से बाल धोते हैं तो खारे पानी से होने वाले नुकसान को कुछ तरीकों से आप कम भी कर सकते हैं। पानी में अगर खारापन ज्यादा हो तो इसका कुछ दिनों तक इस्तेमाल करने से ही बालों की शाइन चली जाती है, बाल रूखे और बेजान नजर आने लगते हैं। कई लोगों के खारे पानी की वजह से बाल तेजी से झड़ने भी शुरू हो जाते हैं। खारे पानी का सीधे इस्तेमाल करने के बजाय पहले उसे उबालें, इसके बाद पानी ठंडा होने दें, इस पानी से बालों को धोएं, इससे बाल सॉफ्ट और शाइनी बने रहेंगे। आप अगर खारे पानी का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इससे बालों को डैमेज होने से बचाने के लिए दही का हेयर मास्क यूज करें। हफ्ते में एक से दो बार इस हेयर मास्क को बालों पर जरूर लगाएं, इससे रूसी बालों का कमजोर होना जैसी समस्याओं से बचाव होगा। ताजे दही में एक चम्मच शहद और एक चम्मच जैतून तेल मिक्स कर लें, इसे बालों की जड़ों में लगाएं, इसे 45 मिनट तक लगाने के बाद बाल धोएं। बहुत से लोग बालों में तेल लगाना पसंद नहीं करते हैं। आप अगर खारे पानी से सिर धोते हैं तो इस आदत को छोड़ दें। खारे पानी से बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं। सिर को आंवला, ब्राह्मी और बादाम से बने तेल से मालिश जरूर करें, इससे ड्राई स्कैल्प से राहत भी मिलेगी। खारे पानी से बालों को बचाने के लिए जरूरी एहतियात बरतने के साथ ही खान पान का भी खास ख्याल रखना है। स्किन और बालों की बेहतर क्वालिटी के लिए नट्स और सीड्स को डाइट में जरूर शामिल करें। इसमें काजू, बादाम, अखरोट, तिल के बीज, अलसी के बीज आदि शामिल है। इन्हें खाने से बालों को भरपूर पोषण मिलेगा। जी हाँ, हमारे बालों को सिर्फ जो है शैम्पू कंडीशनर की ही जरूरत नहीं होती, बल्कि जो भी हम खाते हैं वो हमारी बॉडी को मिलता है, हमारे बालों को मिलता है। तो वो कहते हैं ना, जितना अच्छा खाना, जितने अच्छे फल, जितनी अच्छी चीज़ें आप खाएंगे, वही आपकी बॉडी को भी प्राप्त होती हैं, बॉडी को भी मिलती हैं। तो आप समझ लीजिए, जितना अच्छी चीज़ें आप खाएंगे वो आपके सिर में जाके लगेंगी, यानी कि आपके बाल भी अच्छे से बढ़ेंगे, भी चमकदार भी होंगे और मजबूत भी होंगे। तो हमेशा यही कहेंगे आपसे कि अच्छा खाना खाएं, फ्रूट्स खाएं, नट्स खाएं, तभी आपके बाल मजबूत और शाइनी बनेंगे और कभी झड़ेंगे, टूटेंगे भी नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें।